मेरा सवाल ये था कि एक शख्स सहाबा के ज़माने में अपने आप को नमाज भी पढ़ता था और अजान भी देता था जो रसूलुल्लाह सल्लम दिया करते थे, मगर उसने कहा कि मैं रसूलुल्लाह हूँ जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह हैं, तो उस पर तमाम सहाबा ने उसके खिलाफ जंग की, इसकी वजह क्या है? दूसरा सवाल यह है कि मुर्तद के माने क्या है, समझाएं एडवोकेट साहब। तो अब मुर्तद अगर कुछ साबित हो जाए तो उसकी क्या सजा है इस्लाम में? अच्छा जी, ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि पहला सवाल जो उन्होंने पूछा कि सहाबा के ज़माने में, खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में एक ऐसा शख्स था जो नमाज़ भी पढ़ता था और दीगर तमाम अरकान पे भी अमल करता था मगर नबूवत का दावेदार था, तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई की। जी, इस सवाल में थोड़ी सी तारीखी गलती हुई है, मैं पहले उसकी दुरुस्तगी करवा दूँ। हमारे मौजस मेहमान ने जो फरमाया के सहाबा के ज़माने में मुसैलमा कज़ाब ने दावे नबूवत किया, ये बात दुरुस्त नहीं है। मुसैलमा कज़ाब ने हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दावे नबूवत किया, अपनी फ़ौज लेके मदीना मुनव्वरा में आया। अगर किसी इंसान का दावे नबूवत करना उसके ख़िलाफ़ लड़ाई का सबब बनता तो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर शरीयत का नुज़ूल हुआ, जब उसने दावे नबूवत किया आपकी ज़िंदगी में, अस्वद अंसी ने आपकी ज़िंदगी में दावे नबूवत किया, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने दोनों हाथों में सोने के दो कड़े पहने हुए हैं और मैंने उनको फूंक मार के उड़ा दिया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल आपने इसकी क्या ताबीर फरमाई? आपने फरमाया इसकी ताबीर ये है के दो कज़ाब हैं जो मेरे बिलमुकाबिल निकलेंगे और मैं दोनों के दरमियान, उनमें से एक मुसैलमा है और एक अस्वद अंसी है। तो अगर किसी इंसान का दावा नबूवत करना उसे कत्ल का मुस्तहिक बनाता, उसके खिलाफ लड़ाई का मुस्तहिक बनाता, तो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दावा नबूवत के बाद अंदाजन मेरा ख्याल है कुछ 6 महीने के करीब दुनिया में ज़िंदा रहे, तो आप उसके खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते। मगर आपने वो जो अपने मुल्क का बाशिंदा है उसके ख़िलाफ़ लश्कर कशी नहीं की, उसके ख़िलाफ़ लश्कर की तैयारी का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उसामा बिन जैद की सरकर्दगी में रोम की सरहद पे जाने के लश्कर की तैयारी का हुक्म दिया। आप मरज़ुल मौत में बीमार थे और लश्कर की तैयारी हो रही थी, इसी स्ना में आपका विसाल हो गया और वह लश्कर रुक गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने तो उन्होंने भी ये नहीं फरमाया कि पहले मुसैलमा कज़ाब और अस्वद अंसी के ख़िलाफ़ हम लड़ाई करें, बल्कि उस लश्कर को भिजवाया। तो उसके ख़िलाफ़ लड़ाई का सबब क्या बना? उसका दावे नबूवत नहीं, उसकी मुसल्ला बगावत। उसने अपने इलाके में जो खिलाफत इस्लामिया की तरफ से आमिल मुकर्रर था उसको शहीद कर दिया, जो ज़कात की वसूली की रकूम थी और चीज़ें थी वो उसने छीन ली, और उस इलाके में जितने मुसलमान थे सबको कहा कि या इस्लाम छोड़ दो या गर्दनें कटवा लो। तो जिन लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया वो बच गए, जिन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा उसकी धमकी के नतीजे में उसको उन्होंने शहीद कर दिया। तो ये हर हुकूमत का फ़र्ज़ है कि जो इंसान उसकी हुकूमत की हदूद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पेश करे उससे वो निमटती है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके ख़िलाफ़ इसलिए लश्कर कशी की उसके ख़िलाफ़ और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ कि उन्होंने फ़ौजें तैयार करके इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसल्ला बगावत की कार्रवाई शुरू की। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उसने सिर्फ दावे नबूवत किया था, मुसल्ला बगावत नहीं की थी, इसलिए आपने उसके ख़िलाफ़ किसी लश्कर का हुक्म नहीं दिया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।